हम लोग सब खतरे की लपेट में, कभी स्नोफॉल हुआ है, मौसम खराब है, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपसे ही पुकार लगा रहे हैं, आप हमारा ये कार्य कीजिए। हमारी लोकल लीडरशिप टोटली फेलियर है, पहले भी फेलियर थी, आज भी फेलियर है और आगे भी फेलियर रहेगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। फसल समझ चुकी है, लीडर भी समझ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऋषि साहब कि आप आइए, अपनी टीम के साथ आइए, डिपार्टमेंट को लेके आइए साथ, तो आप बताइए आपने क्या कार्य किया है। जितनी बार भी मैं डेलीगेशन लेकर गया हूँ, वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने इसको प्लान में रखा है, हमने इसको डीपीआर प्रोजेक्ट प्लान के पीछे भेजा हुआ है, आप भी हमारी हेल्प कीजिए, हम पैसा लगा लें, आप भी जाएँ जम्मू वहाँ बात करें और यहाँ पर इसके लिए प्लान रखाएँ। आप बताइए ये हालात है, एक आम आदमी उसके जम्मू जाएगा प्लान में काम रखाने के लिए, तो ये जो आपसे सलमान है डीसी साहब जो आपके नीचे कार्य करते हैं, तो इनको सैलरी भी देनी चाहिए। बदकिस्मत लोग हैं हम, फिर नलायक अफसर यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब ये करप्शन का बोलबाला है। आज भी अगर गहराई में जांच की जाए जी, बताएं इसके बारे में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कल से जो ऐसे मौसम विभाग ने बताया था कि 70 घंटे जो बारिश है जम्मू कश्मीर के बीच एक हाईलाइट है, तो बड़ी मूसलाधार बारिश है। और आज हम यहाँ खड़े प्राणी पूछ वार्ड नंबर 16 बतार नाला रिवर जिसे कहा जाता है, ये देखिए आप मेरे पीछे बतार नाले का ब्रिज है, वो उसमें सात लोगों का कितना एग्रीकल्चर लैंड है, लेफ्ट में और राइट में, जितना लेफ्ट में है उतना राइट में है। और ये लोकेशन आज आपने देख ही ली है, क्या हालात है हमारे यहाँ की। मैं तुझ से कहना पड़ता है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं, एक्सीजन फ्लड कंट्रोल जो भी यहाँ पर आया है, सिर्फ 2 साल 2.5 साल टर्नओवर दिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के बीच। फ्लड कंट्रोल का मतलब यही है कि फ्लड को कंट्रोल करना। मैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी एक्जिन आए, कि आपने क्या काम किया है। 92 का फ्लड आया, 2014 का फ्लड आया, 14 और आज के डेट में 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर जो है एक खासतौर इस रिवर में इस प्लेस के बीच 2 रुपये का काम नहीं किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से और मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, जो उससे पहले यहाँ पर राज कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे कभी भी जो है प्लान में नहीं रखा गया है, इग्नोर किया गया है। इसे 8 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पर जितने तमाम किसी हजरात यहाँ पर रहे हैं उनसे, लोकल लीडरशिप है उससे भी हमें संपर्क बना के रखा, यहाँ पर जो है काम करना बड़ा अति जरूरी है, लेकिन सब ने इसे नज़रअंदाज किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जब फ्लड आया था पूरे जम्मू कश्मीर के बीच, जहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ था, लोगों का एग्रीकल्चर लैंड जो टोटल डैमेज हो चुका था, लोगों ने घर बनाए थे, मजदूर आज मेरे भाई थे जिन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके यहाँ पर जो घर बनाए, जगह ली, घर बनाए, वो सब रह गई, और कई को पूरी जो है बेनिफिट भी नहीं मिला, रिलीफ भी नहीं मिली है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये हालात हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के। आप देखें मेन रोड पर चलेंगे, हजारों गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, किसी पे फ्लैग लगा हुआ है किसी पार्टी का, किसी के ऊपर जो है लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, सरपंच ये वो, लेकिन पब्लिक के बीच आकर कोई काम करने के लिए हाजिर नहीं, कोई राजी नहीं है। तो दुख से कहना पड़ता है कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमारा मसीहा कोई नहीं है। मैं कुछ लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि हमें अपना मसीहा ढूँढना पड़ेगा, ढूँढने से ही मिलती है मंजिल, बिना ढूंढे मंजिल भी नहीं मिलती है। और आज मैं ये जिस हिसाब से ये मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज और भी कि डी सी साहब, जब से आप पूंछ में आए हैं आपने बड़े अच्छे कार्य किए हैं, और मैं ये भी आशा है, पब्लिक को भी ये आशा है कि ये कार्य भी आपके शुभ हाथों से होना चाहिए। डी सी साहब, आपके शुभ हाथों से ये कार्य होना चाहिए। लाइफ डिपार्टमेंट है फ्लड कंट्रोल, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है आपके टेबल तक नहीं पहुंचाता है, लेकिन आज जुगल किशोर शर्मा आपके टेबल तक ये बात पहुंचा रहा है, और आपसे खुद पर्सनल मिलने के लिए भी मैं आऊँगा एक डेलीगेशन लेकर,
आपसे भी ये हज़ारों रुपये लेके चल लिए हमने, लेकिन किसी ने हमारा काम नहीं किया। और मुझे विश्वास है, पूछ की जनता को विश्वास है, आप पर भरोसा है, हक रहे हम पर, हमें आप पर, कि आप ये कार्य जरूर करेंगे, हमारे उन गरीब भाइयों को बचाएंगे। ये वो गरीब भाई हैं 47 में जिसके बीच जब देश का बंटवारा हुआ, तब ये लोग वहाँ से हमारे बुजुर्ग आए। यहाँ पर थोड़ी बड़ी ज़मीन जिसके पास थी एग्रीकल्चर लैंड, वो भी बह गया है। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, लोग घर बह गए हैं। इस हिसाब आप भी हमें बचा सकते हैं, हमें विश्वास है कि आप आए, आप मौका देखें। आप अगर गांव में जाते हैं दरबार के लिए, 2 घंटे 3 घंटे पूरे पूरे दिन भी लग जाता है आपका, एक घंटा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों की तरफ से कि आप 1 घंटा पार्टी फ्री से लेके 2 मील तक का जो विजिट कीजिए बाई फुट, और देखिए आप कि यहाँ पर हमारे लोग कितनी मुश्किल में रह रहे हैं। महत्वपूर्ण पूर्ण बात यह है डी सी साहब कि हमारे पास हेलीपैड ग्राउंड है, उसके साथ हमारी लोकेशन है, 2500 से 3000 हमारे यहाँ पर कुंभ है, पॉपुलेशन है,